हे गाइस, वेलकम बैक इन ईए स्टडी। आज के इस वाले वीडियो पे हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे हमको दे रखा है 135 एंड 225। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए आपको एक डिवाइड करना होगा आपको 225 को 135 से, यानी कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से आपको डिवाइड करना होगा। तो चलो कर लेते हैं। तो गाइस, 135 और 225 को आपको डिवाइड करना होगा। तो 135 के टेबल में वन बार में आता है अपना 135, तो ये मैं लिख लेता हूँ। और उसके बाद आपको इसको डिवाइड कर लेना होगा। तो ये अपना आ रहा है 135, वन जा 135, और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो अपना आएगा यहाँ पर 9 एंड 0, तो 90 आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको डिवाइड करना होगा यहाँ से। और गाइस, अब आपको जो डिवाइड करना होगा रिमाइंडर से डिवाइड करना होगा जो आपका ये वाला नंबर है, सब दिख पा रहे ये वाला, जो पिछले डिवाइड में आपको जो जिससे जो आप डिवाइड कर रहे थे उसका ये वाले नंबर का जो आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 135। तो 90 वन ज़ा 90, और इसको माइनस करेंगे तो अपना आएगा 45। अब 45 से हम डिवाइड करेंगे 90 को, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो 45 टू ज़ा 90, जहाँ पर गई आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उसका जो आपको ये वाला जो नंबर है जिससे कि आप डिवाइड कर रहे हैं वही आपका एच सी एफ होगा, यानी कि इस क्वेश्चन में एच सी एफ 45 होगा। तो उसको लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसका जो है लिख लीजिए, तो ये बीच वाला जो नंबर है आपका ये लिख लीजिए आप। तो ये हम लिख लेते हैं, तो 225 इक्वल टू का साइन, तो अब आपको लिखना है ये वाला मल्टीप्लाई ये फिर प्लस ये, यानी कि डिविडेंड इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो इसको आप कर देते हैं 135 मल्टीप्लाई बाय में 1 प्लस 90। और सो गाइस, यहाँ पर अब हम करेंगे 135 का आपको लिखना है यहाँ पर 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 1 145। तो 135 का आपको लिखना है 90 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 45, और फिर थर्ड वाली डिवाइड में आपको लिखना है 90 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। तो 45 मल्टीप्लाई बाय में 2 प्लस 0, तो आपका जो एच सी एफ है वो ये आ जाएगा 45। और चलो गाइस, यहाँ पर हम लिख देते हैं एच सी एफ जो है अपना वो आएगा 45। तो गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ मैं भी आपके साथ आता हूँ। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सामने हम हाजिर है, तो आपको सेम उसी प्रकार से ही क्वेश्चन करना होगा। तो चलो गाइस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिवाइड करने वाले हैं 196 को, 196 से करेंगे गाइस, सॉरी। तो 196 और ये बड़ा वाला नंबर को आपको अंदर लिख लेना है। तो ये हो चुका है। तो गाइस, 196 और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करने से आएगा 186। तो चलो गाइस कर लेते हैं 186। तो गाइस, अब 186 आने के बाद हम 2 को नीचे लाएंगे इधर से, तो 2 अपना नीचे आ जाएगा यहाँ से, तो 1862 अपना हो जाता है। तो 196 नाइन बार में जो है अपना आ जाता है नंबर 1764। तो 1764 जो है अपना आ जाएगा। इसको अगर माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आएगा अपना 98। और 98 आने के बाद आप फिर से 0 नीचे लाएंगे, और इसके बाद आपका 0 नीचे आ जाएगा। फिर ये 5 बार में जाएगा अपना 980। ये आपका गाइस पूरा कट चुका है, यानी कि एक ही डिवाइड से सब कुछ कट गया, यानी कि आपका जो एच सी एफ है वो 196 ही हो जाएगा। तो गाइस, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, चलिए इसको लिख देते हैं। तो आपको लिखना है 38220 इक्वल्स टू 196 मल्टीप्लाई में 195 प्लस 0 रिमाइंडर। तो आप लिख दीजिएगा अपना एच सी एफ इक्वल टू 196। ये आपका एच सी एफ आ चुका है। तो गाइस, चलिए मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। सो गाइस, हमारे सामने अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट बोल सकते हैं हम इसको। तो चलिए गाइस, हम लोग फिर से वही कर लेते हैं, अपने जो बड़ा वाला नंबर है उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो अपना बड़ा वाला नंबर से हमने अंदर लिख दिया है, और बाहर लिखेंगे हम छोटा वाला नंबर और इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने में 255 के टेबल में जो 3 बार में आ जाता है अपना, इससे कम नंबर यानी कि 765 आ जाएगा। और इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस में आएगा अपना 102।
और उसके बाद चलिए अब आपको करना क्या गाइस, इसका जो डिवाइड कर रहा था इस नंबर को वो आपको यहाँ ले लेना है, तो ये 255 आपको यहाँ ले लेना है, फिर आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, तो 102 के 2 में आएगा अपना 204, तो अब आपको यहाँ पर कर लेना है 204, तो ये अपना बचेगा माइनस होके 51। तो आप फिर से वही करना है आपको, ये वाला इसका ले लेना है यहाँ पर 102 और 51 से ये पूरा कट जाएगा, साफ साफ दिख रहा है आपको, तो ये कट चुका है हमारा। तो गाइस लास्ट वाले में जो आपको डिवाइड करता है वही आपका HCF होता है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। तो 867 इक्वल्स टू 255 मल्टीप्लाई बाय में 3 इक्वल प्लस रिमाइंडर जो कि 102। नेक्स्ट होगा अपना 255 इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाई बाय में 2 प्लस 51। थर्ड में होगा आपका 102 इक्वल्स टू 51 मल्टीप्लाई बाय में 2 इक्वल टू 0। तो आपका HCF जो है आप लिख दीजिए यहाँ पर, जो होगा अपना 51। गाइस इसी के साथ आपका जो है ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, तीनों के तीनों पार्ट्स इस वीडियो में हम लोगों ने कर लिए हैं। तो गाइस आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये हमारा न्यू चैनल है तो आप इसको प्लीज़ सपोर्ट दिखाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तो बाय बाय।